मैं किसी और के घर पे गई थी, इसलिए मैंने लाल लिपस्टिक के लगाई हुई। आज मेरा दिल कर रहा था रेड मेहरून लगाने को, तो खैर वहाँ पे तो मैं लगा के नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब होंगे ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और काइंडली 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 अपनी दुआ में सबको जरूर याद रखें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, से आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टन टन करके मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज मैं अपना वही पुराने वाला ड्रेस पहन के, पुराना तो नहीं है खैर, मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, और आज मैं जा रही थी सिस्टर के इन लॉज की तरफ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। और कुछ आज जरा मैं सुस्त भी हुई थी, तो फिर मैंने यही वाला ड्रेस अपना निकाला, क्योंकि ये आयरन हुआ हुआ था, अगर कोई दूसरा मुझे करना पड़ता तो खैर आज मैं मतलब वो नहीं कर सकती थी। सबसे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक तो मैं लेट इतना उठी हूँ, पहले मैं ऊपर से मुझे गर्मी लगने लगी, फिर मैं नीचे गई अब्बू के कमरे में जा के सोई, फिर मुझे ठंड लगने लग गई, और अब मेरे पसीने आ रहे हैं पता नहीं क्यों, समझ से बाहर है, क्योंकि इफ्तारी पे जा रहे हैं ना, फ्री का खाने जा रहे हैं शायद इसीलिए। तो बस चलते हैं वहाँ पे जाके, फिर खाने शाने पहनने डालते हैं भाई, रोज़ा रखा हुआ है सुबह का। और अब तो मुझे शदीद किस्म की जो है ना भूख भी लग गई, आज मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। जिस दिन आपको कोई मतलब दावत पर बुला लें ना, और जिस दिन आपका कोई खाना रख दे बाहर आया है, डेफिनेटली आपको भूख लग जाती है। और अब मुझे भी भूख लग चुकी है, और बस हल्की हल्की मैंने रिंग पहन लिया ये वाले हाथ में भी, और इधर भी बस मैंने ये दो पहन ली, और एक मैंने ये वाला कड़ा पहन लिया। ये कड़ा मुझे कल ना एक मेरी भाभी को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन खैर मैं दे नहीं सकी क्योंकि ये मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपने कहना चवल है चवल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो बस चलते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं वहां पे जाके आपको दिखाती हूँ कि आज हमारी इफ्तारी में क्या कुछ बना है क्या कुछ नहीं बना। तो लेट्स सी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। 20 घंटे लगा के तैयार होने के बाद, अपनी अम्मी की खट्टी मीठी बातें सुनने के बाद, फाइनली मैं अपनी लोकेशन पे आ गई हूँ। और ये थी वो ईदी जो हम लोग लेके गए थे, और मैंने आपको दिखानी थी यार, लेकिन ना मैं 5 बजे उठी और फिर बड़ी मुश्किल से तैयार हुई, और फिर मैं वहाँ पे पहुँच गई इन लॉज की तरफ। मेरे नहीं थे, मेरी सिस्टर के इन लॉज थे, मेरे तो पता नहीं बेचारे कहाँ सोए हुए, और मैं कहती हूँ कि सोए ही रहें तो बेहतर है, जस्ट जोकिंग। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा था, सभी ड्रेस माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे जो है ना सब मतलब जफ़ियाँ और फिर पपियाँ जो है ना मतलब वो लेना स्टार्ट हो गए थे, और जफ़ियाँ पपियाँ चलते चलते ही जो है ना रोज़ा इफ्तार हो गया था। और बहुत कुछ था, इतना कुछ था कि बस ना पूछो, टिड फुल हो गया था। अब सहरी किया अब तो मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा, सांस चढ़ रहा है मुझे, मतलब आज मुझे लगता है मैंने थोड़ा ओवर खा लिया है। खा तो मैं बहुत दिनों से रही हूँ, और बाहर का खा रही हूँ, और अच्छे अच्छे कमेंट भी सुन रही हूँ, मतलब बैड कमेंट है कि मोटी होगी मोटी होगी। अब आप रमज़ान में नहीं मोटी होगा तो फिर कब होगे। और ये वाला तो शरबत बहुत मज़े का था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जूसेस थे और सब भी बहुत मज़े के थे। ये इलायची का भी बहुत मज़े का था, खैर ये मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन देखने से मुझे बहुत मज़े का लग रहा है, क्योंकि देखने से पता चल जाता है चीज़ मज़े की है कि मतलब नहीं मज़े की। और मुझे तो वैसे भी पता चल जाता यार, मैं देख के बता देती हूँ। और फिर जो उसके बाद आ गए थे गर्मा गर्म पकौड़े। अच्छा मैं बहुत सी दावतों पे जाती हूँ, होता ये है कि पहले कहीं सब कुछ बना के रखा होता है और वो ठंडा हो जाता है, फिर खाने का मस्त स्वाद नहीं आता ज़रा जितना भी। लेकिन माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत मज़े की थी, स्पेशली बिरयानी बहुत मज़े की थी, और बिरयानी मेरी फेवरेट है। और ये जो थी मतलब कि जो दूल्हे भाई की मामा है, जो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ है, उन्होंने बनाई थी और बहुत मज़े की बनाई थी, बहुत मज़ा आया था। ऐसे अच्छे खाने बनाने वाली जो है ना सासें आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी में ना थोड़ा सा मतलब सुकून मिल जाता है, आपको इत्मीनान मिल जाता है। उसके बाद ये थी सलाद, और इस टाइम मेरी ज़ुबान जो है ना पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा रही है, क्योंकि मेरी इस टाइम नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। अभी मैं सुबह 5 बजे उठी थी, उसके बावजूद मेरी नींद पूरी नहीं हुई। नींद पूरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि कल जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी ना, उसमें मैं आपको अपनी प्रॉपर शॉपिंग दिखाऊँगी कि मैंने कहाँ से किया और मैंने क्या लिया, मैंने क्या कुछ बाय किया। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत मज़े की होने वाली है, वो भी आपने देखनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं, फिर लास्ट पे मीठे में आई थी आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी हो गई है ना, तो अब तो डेफिनेटली भाई मतलब आइसक्रीम तो हर हाल में बनती ही बनती है। और मैं यहाँ पर कह रही थी कि मैंने 3 खानी है, लेकिन एक ही मैंने खाई थी, क्योंकि मैं बहुत खा खा के ना मतलब माशाल्लाह से मेरी बात हो गई थी। और ये है मेरी छोटी सी मिशाल फातिमा, जो कि बहुत प्यारी लगती है। तो जी यहाँ पे मैं दावत शावत खा के आ चुकी हूँ घर, उसके बाद मैं किसी और के घर पे गई थी, इसलिए मैंने लाल लिपस्टिक लगाई हुई। आज मेरा दिल कर रहा था रेड मेहरून लगाने को, तो खैर वहाँ पर तो मैं लगा के नहीं गई। और मॉर्निंग में वैसे भी रेड कलर नहीं अच्छा लगता भाई, नाइट में थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं गई थी एक आंटी के घर, आंटी के घर नहीं बल्कि उनकी बहू के घर हुआ था, आपी के घर बेटा, तो वो देखने गई थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। और अभी मैं घर आई हूँ, अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है, बहुत कुछ करना है, अभी मैंने ये ड्रेस श्रेस भी चेंज करना है भाई, लश्कारे बस थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, बाकी घर का गेटअप बेस्ट है। और जितनी गर्मी होगी ना, ये देखें मेरे पसीने अभी से छूट रहे हैं, और गर्मियों में तो मुझसे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनती, क्योंकि विदाउट पखे
जो है ना आपको वीडियो बनानी पड़ती है, तो वो बड़ा ही मुश्किल काम है यार, पसीने छूटते हैं। और कुछ लोगों को ना मतलब इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे तो यूं करके पसीना आता होता है बहुत ज़्यादा, सर्दियों में मुझे आता आता है। तो बस यहाँ पे जी मैं ये वाली वीडियो करने लगी हूँ एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, उससे आपको मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे टन टन करके। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मुझे इजाज़त दे दो, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।